फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट की हत्या में लिप्त दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए। थाना फूलपुर पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट वीर बहादुर सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक अदद रिवॉल्वर, एक अदद खोखा कारतूस, 32 बोर व 4 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद हुआ। विगत 7 जनवरी को थाना फूलपुर क्षेत्रांतर्गत बाबतपुर सगुनाहा ओवरब्रिज पर फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट वीर बहादुर सिंह की कार सवार अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस उपायुक्त गोमती जोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी बरामदगी हेतु सहायक पुलिस आयुक्त पिंडरा के नेतृत्व में थाना फूलपुर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में थाना फूलपुर व क्राइम ब्रांच की गठित संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त रामसूरत सिंह, भरत सिंह को गिरफ्तार कर कब्जे से एक अदद रिवॉल्वर 32 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 32 बोर, 4 अदद जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। देखिए, आपकी जानकारी लाना चाहूंगा। दिनांक 7 जनवरी को रात सायंकाल में सगुनाहा फ्लाईओवर के ऊपर में एक रोडरेज की घटना घटित हुई थी, जिसमें अखंड फाइनेंस करके फर्म है, जिसमें जो लोन वेवर करते हैं उन गाड़ियों के लोन वसूली के लिए महिंद्रा फाइनेंस ने उनको हायर किया हुआ है। उनके द्वारा वो गाड़ियाँ रोक करके उनको जमा कराया जाता है। तो ये गाड़ी जो सफ़ेद रंग की स्विफ्ट डिज़ायर थी, इस गाड़ी के ने लोन वेवर किया हुआ था। इस गाड़ी को चलाने वाला चालक था रामसूरत, जो कि गाड़ी के मालिक का भाई है। तो इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया। जो गाड़ी का ड्राइवर था रामसूरत, इसके पास में 32 बोर का लाइसेंस ही रिवॉल्वर था। उसने जैसे ही गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, उसने जो है इस वेपन से फायर किया, जिसमें से एक मजरूह वीर बहादुर सिंह की डेथ हो गई और उसके बाद में ये यहाँ से फरार।